हम सब नाला सुपारा पिकनिक पे जाने वाले हैं और मेरे साथ मेरी बेटी भी आने वाली है। देखा सर कितने कंजूस है, हमारे पैसों से अपनी बेटी को फ्री में नाला सुपारा घुमाएंगे। येड़ो आरम सासा आ गए क्या साहेब, मुझे बुलाना भूल गए क्या पिकनिक में? बेटा अपना थॉमसन बेबी पाउडर और डायपर संभाल के ले लिया ना? नहीं पापा जी। अरे सर मना तो किया था इस आदम को मत लाना, ये मेरा बच्चा बिगाड़ देता है। आदम हिप हॉप के पापा जी ने तेरे खिलाफ कंप्लेन की है, तू नहीं आ सकता हमारे साथ। आदम सासा मैं आपको कॉल करके हमारा लोकेशन दे दूंगा। सर स्कूल में पिकनिक हो और आदम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आज आदम नहीं आया है तो बस में कितनी शांति है। आज पिकनिक में तो मैं कैसे भी करके जाकर ही रहूंगा। ताऊ जी सर अपने साथ मुझे पिकनिक पे नहीं ले गए। अरे ताऊ जी हुकुम करो, अभी मास्टर को वन टैप मार दूंगा। अरे नहीं मकबूल भैया, किसी का गेम नहीं बजाना है, आप रहने दो। सुन मकबूल, जिंदगी में एक बात कभी नहीं भूलना, हमेशा मास्टर जी की और एडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ताऊ मुझे कैसे भी करके पिकनिक में जाना है, अब मैं क्या करूं? मकबूल तुझे एडम को पिकनिक पर लेकर जाना है, ये तेरी जिम्मेदारी है। बच्चों हम आ चुके हैं नाला सुपारा के जंगलों में, यहाँ पर हम कैंप डाल के रहने वाले हैं। सर मैंने सुना है नाला सुपारा के जंगलों में बबर शेर रहता है। हाँ बच्चों वो यहीं कहीं हो सकता है, और आपको डरना नहीं है क्योंकि आपके साथ आपका बबर सर है। अरे सर तूने आदम सासा को हमारा लोकेशन भेज दिया ना? अबे हिल मत वरना सर को फोन दिख जाएगा और मेरे सारे डायमंड वेस्ट कर देंगे। आज तो कैसे भी करके सकुरी को इम्प्रेस करके ही रहूंगा। अरे आज तो आदम नहीं आया पिकनिक में, बहुत मजा आएगा। अरे आदम सासा का नाम लिया और आदम सासा हाजिर। अरे सर अब भी यहाँ पे आए हो क्या? अबे आदम आया क्या हेलीकॉप्टर लेके? हाँ सर सही पकड़े है। और तू इधर आ तो गया पर रहेगा कहाँ? हमारे पास तो 5 ही कैंप है, वो तो सबने ले लिए। अरे आदम सासा कोई नहीं, आप हमारे साथ हमारे कैंप में आ जाओ। अरे कोई नहीं क्रिमिनल्स, तुम मेरे साथ आ जाओ, मैंने मकबूल भैया से बोलकर पूरी बिल्डिंग ही यहाँ बनवा दी। अरे आदम हम यहाँ पर कैंप करने आए हैं, तुम मकबूल भैया को वापस भेज दो। ठीक से मास्टर मैं जा रहा हूँ, पर हमारे आदम सासा को परेशान ना करना वरना वन टैप मार दूंगा। चल आदम अभी ये सब छोड़ और कैंप में सबकी मदद कर। सकुरी देखो अब मैं वो झरने से छलांग लगाऊंगा, वैसे ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। देखो मेला बेस्टी ओपी, मेला बेस्टी ओपी। आदम सासा चलो इसके बेस्टी के मजे लेते हैं। सकुरी तुम्हारा बेस्टी ओपी नहीं बॉट है एक नंबर का। अबे नुबड़े मुझे बॉट क्यों बोल रहा है? तू तो डरपोक है एक नंबर का, इतनी छोटी सी छलांग कौन लगाता है? चल अगर तू बॉट नहीं है तो साबित करके दिखा। वो ऊपर वाले पुल से छलांग लगा के दिखा। अरे मैं कोई बॉट नहीं हूँ, अभी छलांग लगाता हूँ। अरे एक मिनट यार, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा ऊँचा है। अरे बचा लो कोई। आदम सासा ये बोट तो सच में कूद गया। अरे मोरी मैया पूरा शरीर छिल गया, आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। अरे बेस्टी तुम ठीक तो हो ना? अरे सकुरी मर्द को दर्द नहीं होता, और देखा नुबड़ो तुमने मैं कोई बोट नहीं हूँ। हाँ यार तुम बोट नहीं हो पर एक नंबर के बेवकूफ हो। हाँ इतने ऊँचे से छलांग तो एक बेवकूफ भी लगा सकता है। मेरे पापा ने कैसे गधों को स्कूल में रखा हुआ है। अरे वैसे तुमने ये सर पे मास्क पहना है तो कुछ दिखता है क्या? हाँ बोट मुझे सब कुछ दिखता है। चलो तो साबित करके दिखा ये कितनी उंगलियां है बता मेरे को। इसमें साबित क्या करना, ये तो 5 उंगलियां है। नहीं उंगलियां तो 4 ही होती है, एक तो अंगूठा होता है। अबे आलोक मैंने तुझे यही सिखाया है क्या? अब तक एक मछली नहीं पकड़ पाया। आलोक एक बहुत बड़ी मछली पकड़ो ना, मुझे देखनी है। सासा आप एक बहुत बड़ी मछली पकड़ लो, सकुड़ी इम्प्रेस हो जाएगी। ये लो क्रिमिनल एक काम कर, अंदर जाके मेरे लिए मछली ढूंढ के आ। ठीक है आदम चाचा, मैं अभी मगरमच्छ पकड़ के आता हूँ। मुझे लगता नहीं ये पकड़ पाएगा, अभी मकबूल भैया से बोल के मछली मंगवा ले।